मिल गया मिल गया। इतना आगे कैसे आ गए? ओ लगता है नहीं देखा। ये थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, तो चले पीछे चलते हैं। तो बात दरअसल यहाँ से शुरू हुई थी कि कल शाम में मुझे मैसेज आ गया था दादरा वालों की तरफ से कि आपका शनाख्ती कार्ड तैयार हो चुका है। तो जिस एक्साइटमेंट से दादरा बनाने गए थे हम शनाख्ती कार्ड, उसी एक्साइटमेंट से हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे आगे काम करने हैं, आज ही करने। तो बस आप और मैं चलते हैं शनाख्ती कार्ड लेने। तो बस ये अभी हमने रिसीविंग स्लिप ले ली है, बस अभी रास्ते में ही है। तो आज भी मैं अपने पापा के साथ ही जा रहा हूँ, तो आज भी वहीं जा रहे हैं। तो भाई देखो पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, तो अभी बस ये पेट्रोल भरवाने ही जा रहे हैं। ये पेट्रोल पंप है, बस पेट्रोल भरवाते हैं। तो बस अभी जस्ट नादरा पहुँचे, बस पार्किंग करते हैं और फिर कलेक्ट करते हैं। तो फाइनली मेरा शनाख्ती कार्ड आ गया है, पापा बहुत बहुत तो बस फाइनली शनाख्ती कार्ड आ गया, बस की अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो शनाख्ती कार्ड तो मिल गया, तो आप दूसरे काम के लिए जा रहे हैं। तो आप वीडियो यहीं रोकें और कमेंट करके बताएं और गैस करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जिसने सही बताया वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ देर बाद आपको पता चल ही जाना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाके आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह पाकिस्तान कामयाबी कर रहा है, ग्रीन लाइन पर चल रही है। मैंने भी किसी एक दिन इसमें बैठना है, पापा किसी दिन प्लान करेंगे इसमें बैठना है, मैंने अभी तक नहीं बैठा हूँ। तो बस बहुत जल्दी इधर ही बैठना है, तो मतलब देखते हो दिन कब आता है जब इधर भी हम बैठेंगे। तो बस लाइसेंस ऑफिस पहुँच चुके हैं और बस लाइसेंस बनवा रहे हैं, देखते हैं क्या सारा यहाँ पर क्या निज़ाम है। पहली बार आया हूँ मैं लाइसेंस बनवाने, तो मैं आज अपनी मेरी बारी है इस बार, तो मैं आज एक्सपीरियंस करूँगा कि कैसा बनता है। तो बस ये लाइसेंस ऑफिस पहुँच चुके हैं, पार्किंग भी कर ली हमने गाड़ी की, तो पसंद करते आपसे। तो फाइनली मेरा लाइसेंस ही बन गया, तो बस अब पापा अब तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल, अब मैं चलाऊंगा गाड़ी की चाबी दो, मेरे लिए सहूलत हो गई। नहीं अब मैं चलाऊंगा लेकिन तो अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो फिर आप भी देखिए आज के मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ। मम्मा मेरा लाइसेंस बन गया। मम्मा डन हो गया, डन बस घर पे आ रहे, बाय। तो फाइनली मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तो मैं बैठ चुका हूँ माशाल्लाह। बस आप दुआ करें कि खैर खैरियत से बस सब हो जाए। कार्ड का काम हो गया, दूसरा लाइसेंस बनवा लिया, अब तीसरा काम है। अब आप फिर वीडियो रोके और फिर कमेंट करें कि अब क्या काम हो सकता है, सोचे सोचे कि क्या काम होगा। तो बस अब अभी रास्ते पे ही है, बस हम हम यहाँ से निकले हैं। लाइसेंस कलेक्ट हो गया, लाइसेंस बन चुका है, बस तीसरे काम के लिए जा रहे हो, फिर आपको वहाँ जाके मिलते हैं। तो आप गैस करें जब तक, तो बस फिर वहीं जाके मिलते। तो रश चेक करें, देखें पूरा ट्रैफिक जाम, यहाँ भी स्कूल की छुट्टी हुई है, बस ये आप बहुत रश हो गए। खैर मज़ा आता था, हम भी स्कूल जाते थे ना जब स्कूल से निकलते थे, तो बाहर फ्रेंच फ्राइज और गोला गंडा और आइसक्रीम्स खाते थे, और जो हमारे वैन वाले ड्राइवर होते थे वो हमसे चीखते थे जल्दी चलो गाड़ी में बैठो बैठो, और हम छुप छुप के भागम दौड़ी करके कभी गोला गंडा ले लेते थे, कभी आइसक्रीम ले लेते थे, और फिर डांट सुनते थे कि गला ख़राब हो गया। ये नहीं सोचते थे कि गलत है, इन्जॉय का उस टाइम के भी क्या दिन थे, बस मिस करते हैं। अब बड़े हो गए, अभी गोला गंडा आइसक्रीम अभी ये तो नहीं मिलता है, लेकिन अब वही बात है ना कि अब वो बात नहीं है जब आप पहले 10 रुपये का गोला गंडा खाते थे, इतना छोटा सा सारे रंग डाल के और जबान पूरी रंग वाली हो जाती थी, और वो भी क्या दिन थे। ट्रैफिक देखे हम, सब स्कूल की जस्ट अभी छुट्टी हुई है, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, तो ये ऑफ टाइमिंग है, बस कोई नहीं, इस ट्रैफिक का भी इंजॉय करते वो यादें। तो बस फिर अभी काम करने जा रहे, बताते क्या काम।
तो हम अब तीसरे जगह पे पहुंच चुके हैं जो हमारा काम था। तो हमारा तीसरा जो काम है ना वो ये है कि हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है। ये HBL के मैडम आ चुके हैं, बस बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब अंदर जाता हूँ, अंदर खैर कैमरा तो बना है, तो अंदर जाता हूँ, वहाँ पे जो होता है A few moments later. तो अभी जस्ट मैं बाहर आया हूँ बैंक से और सारी रिक्वायरमेंट्स पूछ लिए क्या क्या चाहिए, तो देखते फिर अभी लाते हैं और अभी खुलवाते अकाउंट या फिर इंशाल्लाह कल सुबह। तो फिर वही पापा से डिस्कस करता हूँ कि क्या करना है। अगर पापा फ्री हैं तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल करेंगे। ओके तो बस फाइनली घर पे आ चुका हूँ और बस अभी पापा ऑफिस गए, उनको भी ऑफिस जाना था। कितना टाइम देंगे, 2 बज गए। हेलो, तो बस फाइनली आ चुका हूँ मैं घर पे और मम्मा ये मेरा बन गया शनाख्ती कार्ड और तो मम्मा ने अभी बोल दिया कि सुबह से अपने काम तो कर रहे हैं, अब घर के काम कर। तो बस अभी घर का सौदा सब लेने जा रहे हैं, वो चावल और वगैरह। तो फिर मम्मा ने पैसे दे दिए और लिस्ट दे दिए, तो बस अभी जा रहे हैं चावल वगैरह लेने। तो फिर आपको आते मिलते। तो अभी जस्ट घर पहुँचे, सामान लेकर और ये देखो तो फाड़ दिए, लाइट ही नहीं है। हेलो मम्मा, आपका सब सामान आ चुका है, सही है? अब मैं थक गया हूँ, अब मेरी 3 घंटे के लिए छुट्टी है, तो मिलते 3 घंटे बाद। अच्छा, तो फाइनली घर वालों से छुट्टी ले ली। अब मैंने कोई काम नहीं करना है, बस मैं भी थोड़ा चिल करूँगा, PC पे बैठूंगा, सुकून से गेम वेम खेलूंगा दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते 3 घंटे बाद। 5 hours later. तो मैं कुछ देर पहले ही सो के उठा हूँ, असल में सुबह भी जल्दी उठ गया था ना, तो नींद आ गई थी, तो थोड़ा आराम कर लिया था, थक गया था बहुत आज, तो थोड़ी देर खेला था दोस्तों के साथ, तो फिर सोन सो गया था। तो थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, अब देखते हैं रात के क्या प्लान है। तो बहुत भूख लग रही है, तो मम्मा से पूछते हैं कि आज रात में खाने में क्या है। तो मम्मा, तो आज रात में खाने में क्या है? आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। क्यों, खैरियत तो है? आज घर में खाना नहीं बनाया। ट्रीट बनती है ना भाई, शनाख्ती कार्ड आया है और ट्रीट आपकी तरफ से है, पापा पापा और मेरी दोनों तरफ से। तो बहुत अच्छी बात है, पापा को जाके थैंक यू तो बोले। थैंक यू पापा, जब बाहर ट्रीट दे रहे हो हमें, तो क्या खाओगे? मैं लेके आता हूँ, बताओ। अच्छा, जैसे घर वालों ने बोला कि आज वो ट्रीट दे रहे हैं मेरी शनाख्ती कार्ड बनने की खुशी में और लाइसेंस बनने की खुशी में, तो आज वो ट्रीट दे रहे हैं। तो ट्रीट बनने वो दे रहे हैं, लेकिन लेने मेरे को जाना पड़ेगा। तो बस अभी वही घर में डिसाइड हुआ कि क्या खाना है, तो बस वही डिसाइड कर रहे हैं, और जैसे ही वो बताते कि क्या करना है तो फिर हम लेने चलते हैं। बस निकल चुके हैं, रास्ते में ही है, बस जा रहे हैं। आज हमारे से मेरी बहन भी है और टिक्की भी है। ओह, इसकी तो आँखें डर, तो बहुत खौफ ज़्यादा है। तो बस आज लाइसेंस बना है तो गाड़ी चलाएंगे, तो फिर निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के मिलते हैं आपको। तो बस आपका आपका लाइसेंस हो या ना हो, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। तो बस, तो फिर वहाँ जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। इतनी रश है, पता नहीं अब कब पहुँचेंगे, इतनी रश है और इस टाइम पे भी इतनी रश होती है। मैं तो निकला लेट तक, रश कम मिलेगी, पर इतनी रश है यहाँ पर, अब पता नहीं कब पहुँचते। तो फाइनली हम जगह पे पहुँच गए, बस अभी जाते हैं और फिर लेते कि देखते क्या पर है। तो बस ये हमारा पटे तैयार हो रहे हैं। क्या बात है, इनका भी बनाने का तरीका अलग होता है, माशाल्लाह यार। आप कैसे बना लेते इतने अच्छे पराठे? ये तो ये बस मसालों का जो जायका है उसकी वजह से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बेशक बात, बहुत अच्छे पराठे, माशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये आयशा मंजिल पे ये कैफे भाईजान, तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर यहाँ पर आइएगा। तो अब थोड़ा बहुत तो वहाँ से ले लिया हमने, मेरी अम्मा को पराठा खाना था, मैंने जिंगर खाना है। तो आप यहाँ से लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया। ओ, आज आप भी आई हमारे साथ। तो भाई फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमको अब जगह खाना मिला, तो बस जल्दी घर जाते हैं और फिर आपको वहीं ही मिलते हैं। Run. चलो चलो। तो ये भी हमारे तरह सिर्फ घर में रहना पसंद करती है, घर से निकलती है और ये पागल हो जाती है, इसको घर जाना होता है बस। A few inches later.
तो आज खाने में मेरे पास चिकन बर्गर है, मुझे जिंगर बर्गर नहीं मिला, वहाँ ख़त्म हो गया था, तो मैं चिकन बर्गर लाया हूँ। तो बस इसको खाते और फिर आपको मिलते हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। तो जैसा कि आपको पता था कि कल हमारा एक काम रह गया था बैंक वाला, तो वो इंशाल्लाह फिर अभी करने जा रहे हैं हम। तो बस मेरे पापा रेडी हो चुके हैं, वो कुछ काम से गए हुए, मैं रेडी हो चुका हूँ, उनका वेट हो रहा है। वो जैसे ही आते तो वहाँ जाते हैं और फिर काम वगैरह करते हैं और फिर आपको वहीं मिलते हैं। So welcome back to the same block. 2 hours later. तो बस जस्ट अभी मैं घर पे आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैंक का काम भी हो गया, सारा डॉक्यूमेंट जमा करा दिया। बस जैसे प्रोसीजर शुरू होगा 9-10 मोहर्रम की छुट्टियों के बाद, तो इंशाल्लाह अकाउंट भी खुल जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाएंगे तो उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।